वीडियो गेम प्रोग्राम करना एक बहुत मुश्किल टास्क होता है, बट डू यू नो हु इज द ग्रेटेस्ट वीडियो गेम प्रोग्रामर ऑफ ऑल टाइम? रोलर कोस्टर टाइकून रिलीज हुई थी 1999 में, एंड उस टाइम पे ऑब्वियसली लोगों के घरों में कंप्यूटर्स गेमिंग के लिए इक्विप नहीं थे एंड मुश्किल से माइनस्वीपर खेल पाते थे। एंड देन कम्स क्रिस सॉयर, जिसने पूरी रोलर कोस्टर टाइकून गेम अकेले बनाई। अगर मेरी ऑडियंस में कोई 25 साल से ऊपर का है तो उनको शायद इस गेम के बारे में पता हो। द मेन रीजन क्रिस सॉयर एक लेजेंडरी गेम प्रोग्रामर है बिकॉज क्रिस ने ये गेम पूरी असेंबली में डेवलप करी थी खुद से 2 साल में। असेंबली सबसे लो लेवल लैंग्वेज है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एंड काफी मुश्किल है टू कोड, बट ऐसा करने के वजह से क्रिस के पास लिटरली एक एक डेटा बिट का कंट्रोल था अपनी गेम का। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन रोलर कोस्टर टाइकून 1999 में वन ऑफ द सबसे पॉपुलर गेम्स में से थी, बिकॉज ये इतनी टाइटली ऑप्टिमाइज थी कि लिटरली बेकार से बेकार पीसी पे रन करती थी। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या आप भी एक गेम प्रोग्रामर हो और समझते हो कि असेंबली में कोड करना कितना मुश्किल है? तो प्लीज लेट अस नो डाउन इन द कमेंट्स। ऑल्सो अगर आपको ऐसे गेमिंग के फन फैक्ट जानना पसंद है तो फॉलो कर लो इंडियन गेमिंग मैगजीन को।